हाय, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स ब्लेसिंग्स। मेरा नाम हीना है। इस वीडियो में मैं करेला फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। करेला फ्राई के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे वो है करेले दो बड़े जो कि 150 ग्राम्स है, लहसुन की कलियाँ 10 से 12, हरी मिर्च एक, हरा धनिया थोड़ा सा, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर 3/4 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, बेसन 1/2 टीस्पून, तेल 2 टीस्पून। दूसरा तेल लगेगा शैलो फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हमें करेले को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके ऊपर नीचे की डंडियाँ निकाल देनी है। फिर इसको हम वर्टिकली कट कर लेंगे और इसके अंदर के सारे बीज निकाल लेंगे। करेले मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और इसके सीड्स निकाल लिए हैं। अब हम करेले को दोनों तरफ एक चुटकी नमक लगा लेंगे। इसको नमक लगाने से इसका थोड़ा कड़वापन कम हो जाएगा। अब हम करेले को प्रेशर कुक करेंगे। इसके लिए हम कुकर में नियर अबाउट 300 ml जितना पानी ले लेंगे, उसमें रिंग रख देंगे और उसके ऊपर करेले का वेसल रख देंगे। करेले मुझे थोड़े बड़े लग रहे थे इसलिए मैंने इन्हें दो पीसेस में कट कर लिया है। कुकर का ढक्कन लगा के एक विसल होने के बाद गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर होने के बाद गैस बंद कर देंगे। अब हम करेले के लिए पेस्ट बना लेते हैं। जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने निकाले हैं मसाले, वो हम मिक्सी में डाल देंगे। यहाँ पर एक टिप शेयर करना चाहूँगी, अगर मिक्सी में हम गीले मसाले और सूखे मसाले दोनों साथ में डाल दें तो पेस्ट एकदम फाइन बन जाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल लेंगे और मिक्सी बंद करके चला लेंगे। पेस्ट बन के रेडी है। देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। इसे डिश में निकाल के हमने जो 2 टीस्पून तेल निकाला है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट और तेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस पेस्ट को हम बॉइल्ड करेले पे लगा लेंगे। इसको दोनों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। सारे करेले पे लगा लेंगे। अब हम इसे तवे पर शैलो फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे गैस रख कर 2 टीस्पून तेल गरम करना है और थोड़े थोड़े करेले करके हम फ्राई करेंगे। 2 मिनट्स हाई फ्लेम पे होने के बाद इसे स्लो फ्लेम पर होने देंगे हम। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। मैंने इसे नियर अबाउट 5 मिनट्स तक स्लो फ्लेम पे होने दिया है। अब इसे दूसरी तरफ भी स्लो फ्लेम पे 5 to 7 मिनट्स होने देना है। करेले को हम बीच बीच में इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि वो थोड़ा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। करेले को अच्छे से दोनों तरफ कलर देके होने देना है और देखिए करेला रेडी है। करेले हम निकाल लेते हैं। करेला फ्राई इज रेडी टू सर्व। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
हो सकता है अगर आप करेला ना पसंद करते हो तो पसंद करने लग जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।